लबे रहमत पे पाकीज़ा ला 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 अरे बाबा लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं लबे रहमत पे पाकीज़ा लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है कि पत्थर फूल बन जाए के पत्थर फूल बन जाए के पत्थर फूल बन जाए सदाएं कितनी अच्छी हैं के पत्थर फूल बन जाए सदाएं कितनी अच्छी हैं के पत्थर फूल बन जाए सदाएं कितनी अच्छी हैं। पढ़ता हूँ आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे आप हज़रात। मैं शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमा ले। लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है दुरूद पाक पढ़े कर परवरिश करती है बच्चों की दुरूद पाक पढ़कर परवरिश करती है बच्चों की दुरूद पाक पढ़कर परवरिश करती है बच्चों की वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो माएं कितनी अच्छी हैं वो बहनें कितनी अच्छी नारे रसालत सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस फैजान अहले बैत मुस्तफा शायर इस्लाम असद इकबाल साहब किबला। अरे क्या अच्छा शेर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा ये शेर पढ़ने का वैसे तो मैंने इरादा कर लिया था कि ये शेर के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, लेकिन हुक्म की तामील में ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, समाज फरमा ले। दुरूद पाक पढ़ कर परवरिश करती है बच्चों की दुरूद पाक पढ़कर परवरिश करती है बच्चों की वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो माएं कितनी अच्छी हैं वो बहनें कितनी अच्छी हैं वो माएं कितनी अच्छी हैं लबे रहमत पे पाकीज़ा लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं के पत्थर फूल बन जाए के पत्थर फूल बन जाए सदाएं कितनी अच्छी हैं सदाएं कितनी अच्छी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लिया। गुजारिश है आप तमाम हजरात से, शेर तो बहुत है दादा, शेर तो बहुत है, शेर तो बहुत है, लेकिन शेर समझने वाला भी तो कोई हो। दिल में मोहब्बत तो है, मोहब्बत दिल में है, लेकिन कोई मोहब्बत को समझने वाला भी तो हो। क्या बात है, अब जाहिर है पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो हम आए ही हैं। अभी हालात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि संजीदगी के साथ नाते पाक पढ़ना तो दूर की बात है, लोग संजीदगी के साथ नाते पाक सुनते भी नहीं, और रिवायत ही अलग हो गई है। अच्छा, खेती करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है बताइए, तो पहले क्या किया जाता है? खेती अगर करना चाहे आदमी तो खेत, खेती करने से पहले क्या किया जाता है? पहले जमीन को खोदा जाता है, उसके बाद बीज डाला जाता है ना। तो आजकल काम उल्टा हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। बहरहाल इसी कलाम का एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमा ले। लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं, खताओं पे खताएं कर रही हैं उम्मत यासी, खताओं पे खताएं कर रही हैं उम्मत यासी, खताओं पे खताएं कर रही हैं उम्मत यासी, मगर फिर भी अताओं पर, मगर फिर भी अताओं पर अताएं कितनी अच्छी है, मगर फिर भी अताओं पर अताएं। जिंदाबाद, 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 एक शेर वाकया तो आप हजरात ने उलमाए किराम की जबानी सुना ही होगा, शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें। कभी वो चांद से खेले, कभी टुकड़े कमर कर दे, कभी वो चांद से खेले, कभी टुकड़े कमर कर दे, मेरे सरकार की देखो, मेरे सरकार की देखो अदाएं कितनी अच्छी है, मेरे सरकार की देखो अदाएं कितनी अच्छी है, लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है, कि पत्थर फूल बन जाए सदाएं कितनी अच्छी है। और एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। सरकार की जिंदगी, मैंने पहले ही कहा था कि शेर समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। एक शेर में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप हजरात उसके माना तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। शेर मुलाजा फरमाएं। अगर गमगीन हो आका तो नाजिल हो गई आयत,
अगर गमगीन हो आका तो नाजिल हो गई आयत, अगर गमगीन हो आका तो नाजिल हो गई आयत, छलकती मौज कौसर की, छलकती मौज कौसर की, निदाएं कितनी अच्छी है, छलकती मौज कौसर की, निदाएं कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, छलकती मौज कौसर की, निदाएं कितनी अच्छी है, लब रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है, कि पत्थर फूल बन जाए, सदाएं कितनी अच्छी